उर्वा, तो कल डेट का प्लान पक्का ना? मुझसे पूछने के लिए आप इतना ही चक्र है, ले जा पाएंगे डेट पे? ठीक है, तो फिर कल 6 PM डन, हॉस्पिटल आ जाना मुझे पिक करने। अच्छा जी, आपको नहीं लगता कि ये पिक करने का काम लड़कों का होना चाहिए? लगता था, पर तुमसे मिलके ही तो मुझे पता चला कि लड़के और लड़की के रोल में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। तो फिर एक और फर्क भी नहीं होना चाहिए, मैं ठीक 6 बजे पहुंच जाऊंगी, बस आप लेट मत करिएगा। एक मिनट भी नहीं। होठों पे तेरे इज़हार आया है, बेहद बेशुमार। प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। सो जाओ। अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, मैं अभी उनकी पत्नी हूं पंखुड़ी। वेदांत से अच्छे पति हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट वो बहुत ही रोमांटिक और बहुत केयरिंग है, मुझे लगता है हम दोनों खुश रहेंगे। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ये सुबह शाम से क्यों नहीं शुरू होती है? 6 बजने का इंतजार ही नहीं हो रहा है। आ फर्स्ट डेट।
कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप तुम इस ड्रेस में कंफर्टेबल रहोगी। जो मन में है वो एक दूसरे से कह देना चाहिए ना, पहले तुम कहो प्लीज। गुड मॉर्निंग वेदांत। जिसकी तैयारी इतनी जबरदस्त है तो वो डेट कैसी होगी? टी मुझे वो तुझे वो क्या? मुझे 2000 का चेंज चाहिए था। रुक अभी लाई। थैंक यू दी, मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। लेटर पहुंचा। ओके थैंक यू। अब तो किसी और शॉप पर चेक कर लो यार। रेड रोजेस मतलब रेड रोजेस, येलो या पिंक से काम नहीं चलेगा। और सुनो, जो भी चीजें लिस्ट में थी ना उसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इमरजेंसी, आइए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज बैठिए, मैं चेक कर लेता हूं। अचानक से दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। आप प्लीज सब्र रखिए। डॉक्टर वेदांत, सोनोग्राफी रिपोर्ट। रश्मि गेट द ओटी रेडी। ओके डॉक्टर। फॉर ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे की हार्टबीट बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरे सर में एटम बॉम रख के एक ही धमाके में उड़ा देते। क्या पिला दिया मुझे? मैंने पिलाया? अरे तुम्हारे मुंह के अंदर से छीन के चक बाहर निकाला था मैंने। अरे धीरे बोलिए, हथौड़ा काहे मार रहे हैं? गुड मॉर्निंग चाचा जी। आपको कुछ चाहिए चाची? मैं देखती हूँ। जी पर्सनल इनवाइट पत्नी के लिए, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज वो कंफर्टेबल सी ड्रेस पहन के ठीक 6 बजे मुझे पिकअप कर लीजिएगा। और सुनिए, अपनी बड़ी सी स्माइल और हमेशा वाली अदा याद से साथ लाइएगा। आपका बेसब्रा पति। इतनी देर से अभी तक सिर्फ 2 ही बजे हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ? कंग्रेचुलेशंस मिस्टर चा, आपके घर में एक बहुत प्यारी सी गुड़िया आई और मिसेज चा भी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है। थैंक यू। डॉक्टर वेदांत, नेक्स्ट केस डिस्कस कर ले। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर झा। थैंक यू मैम। हम आपकी वाइफ को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जब तक मैं भी जाके उसकी फेवरेट केसर बर्फी लेके आता हूँ, सबसे पहले डॉक्टर वेदांत को और आपको खिलाऊंगा। हाँ डॉक्टर वेदांत। अरे मिसेज झा की डिलीवरी के वक्त खुद मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आपका भांग का नशा उतरा नहीं था और आपको ऑपरेशन करना पड़ा, पर थैंकफुली अब सब ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या कहा आपने अभी? मिस्टर झा, आई एम सो सॉरी, पर जो भी अभी फोन कॉल पे बात हुई ना उसे आप प्लीज इग्नोर करना। सी मानती हूँ कि रिस्क था, पर थैंकफुली आपकी बेटी और आपकी वाइफ दोनों बिल्कुल ठीक है। आई एम सो सॉरी डॉक्टर वेदांत, पर हम दोनों के साथ के लिए
मुझे छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। डॉक्टर वेदांत, अब आप ठीक है ना? मतलब अब तो आप नशे में? बिल्कुल नहीं डॉक्टर पंकज, मैंने डिटॉक्स किया हुआ है और कंफर्म करने के लिए स्ट्रेस टेस्ट और अल्कोहल टेस्ट दोनों करे हुए। अगर 1% भी नशा होता ना तो मैं ऑपरेशन नहीं करता। अब जाके होगी आपकी डेट धमाकेदार। हेलो, आप कहाँ हो? बस 5 मिनट आ गया। ओके। पहला गुलाब शादी का। दूसरा दोस्ती का। तीसरा हमेशा समझने का। चौथा शादी को मौका देने के लिए माफ करने का। और छठा हमारी पहली डेट के लिए। वेदांत, ये सब आपने किया है? आप इतने रोमांटिक हैं? क्यों? तुम्हें लगा मैं बस एक खड़ूस डॉक्टर हूँ? नहीं, ऐसा नहीं लगा। पर ये सब बहुत सुंदर है। फर्स्ट डेट खुले आसमान के नीचे। पता है पूर्वा, जब भी मैं आसमान की तरफ देखता हूँ ना, मुझे सिर्फ उम्मीद नजर आती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव भी सनराइज और सनसेट की तरह ही होते हैं। आज शायद जहां पे अंधेरा हो वो कल रोशनी से भरा होगा। यही सब देखना है मुझे तुम्हारे साथ। मतलब हम सुबह तक यहाँ हैं? जी मैडम, फर्स्ट डेट फुल नाइट। चलो फिर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रात भर में पूरा बचपन जीना है। पेंटिंग करनी है, लूडो खेलना है, कैरम खेलना है, सांप सीढ़ी खेलनी है। आपने बचपन में कभी सांप सीढ़ी, लूडो ये सब नहीं खेला? मैंने कभी बचपन जिया ही नहीं है पूर्वा। मैंने भी नहीं। जानता हूं, हमारे पास बचपन में परिवार ही नहीं थे ना। पता है दादी मुझसे क्या कहती थी कि वेदांत, एक दिन तेरा एक ऐसा रिश्ता होगा जो तेरा अपना होगा। अब हम हैं एक दूसरे का परिवार, तो चलो फिर साथ में कुछ घंटों के लिए बचपन जी लेते हैं। तेरे सेना जी,
मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैंनो जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैंनो जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में के मानी, मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जो जोगी होना, मैनु जोगी होना, मैनु जोगी होना, मैनु जोगी होना। हो मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। एक बात पूछूं, आप अपनी रियल फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं ना? बचपन में सुख और दुख की समझ कहाँ होती है पूर्वा? और अगर कभी बहुत रोने का मन करे तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि मैं रो ही नहीं पाता था। फिर मैं सोचता था कि अगर मेरी माँ होती ना तो मुझे गोद में उठा लेती, उससे गले लगकर खूब रोता, वो मुझे चुप कराती और प्यार भी करती। बस यही सोच सोच के रोना आ जाता था। फिर मैं अपनी उस माँ के बारे में सोचता था जो चाहकर भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार नहीं कर सकती थी, गले नहीं लगा पाती थी ना माँ। पर बाबूजी के डर के बावजूद उनका प्यार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं महसूस होता ही रहता था। और बाबूजी, उनके बारे में सिर्फ यही सोचता रहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो भी मुझे वैसे ही प्यार करें जैसे संचू को करते। बता दे, बच्चे के लिए क्या अच्छा होता, कभी माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं तो आदत ही नहीं हुई, या फिर उनका प्यार मिला और फिर छिन गया। मैं बहुत छोटी थी जब मॉम डैड की डेथ, पर मॉम मुझे याद है, उनके गले लगना याद है, उनसे नाराज होना, उनके गोद पे सर रख के रोना, सब याद है। और अब कोई है ही नहीं जिसके सामने रो सकूं। मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी वेदा, नानी पंखुड़ी दोनों का ध्यान रखना था मुझे, तो कभी रोने का या फिर ये सब याद करने का
टाइम ही नहीं था मेरे पास, जैसे आपके पास नहीं था। शायद इसीलिए किस्मत ने हमें मिलवाया, फिर एक मौका दिया है जिंदगी जीने का।